उसी समय ये क्या है, लौकी। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े, बराबर लौकी एटले के दूधी। त्यारे ज आलो वटाणा जयरे पोतानी ये तारीफ करतो हतो, त्यारे ज उसी समय कौन बाहर कौन आ गया बीच में, लौकी और गाजर कूद पड़े। रायता कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकता है, बराबर ने। शू कहे छे लोको के रायता कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकता, आ बात कौन बोले छे, गाजर अने दूधी। तो दूधी बोली, आ बात कोण बोले छे, दूधी बोले छे कि रायता मारा थी बने छे, कोफ्ते मारी थी बने छे, ने हलवा हलवो पण मारा थी ज बने छे। गाजर ने बात काटते हुए कहा, बात काटते हुए कहा मतलब बीच में उसको अटका दिया, बराबर ने, बीच में उसको टोक दिया। उसकी बात चलते समय गाजर ने बीच में बोला, हलवा तो मेरा भी बनता है, मेरा रंग रूप देखा है कितना सुंदर लाल रंग है मेरा, बराबर ने। दूधी क्या कर रही थी, अपनी तारीफ कर रही थी कि मुझसे रायता कोफ्ते हलवा बनता है। तभी गाजर ने उसकी बात काट दी और उसे कहा, तो हलवा तो मेरा भी बनता है, मेरा रंग रूप देखा है, मैं कितना सुंदर, वो लाल रंग है मेरा। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। ये बात कौन बोलता है, गाजर, और किसको बोलता है, दूधी को बोलता है कि मेरे मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। यह सुनकर बंद गोभी आ गई, बंद गोभी एटले कि अपनी पत्ता गोभी के बीच, बराबर है, वो आ गया। ये सब सुनकर, ये दोनों की बात सुनकर, मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ, सब्जी के अलावा कचुमर और सलाद में भी मेरा स्थान है। ये बात कौन बोलती है, बंद गोभी, और किसको बोलती है, गाजर और लौकी को, कि मैं आरोग्य के लिए भी उपयोगी, मतलब अपना जे रोगों माटे होय छे, बराबर ने, ते शू होय छे, उपयोगी होय छे, अपना स्वास्थ्य माटे ते उपयोगी होय छे। ने शू कहेवा मांगे छे कि सब्जी के अलावा कचुमर और सलाद में भी मेरा स्थान है, कि मैं सब्जी में तो उपयोग में आती हूँ, और उसके अलावा भी कचुमर में भी मेरा स्थान है, उपयोग होता है, सलाद में भी मेरा उपयोग होता है। फिर आगे देखो, मिर्ची पीछे क्यों रहे, बराबर, मिर्ची पीछे क्यों रहे, ये वह भी कहने लगी, नी सभी चुप हो जाइए, बराबर, मिर्ची पीछे क्यों रहती है, और फिर वो भी कहने लगी कि सभी चुप हो जाइए, मेरे बिना आपकी क्या कीमत है, मेरे बिना कब सभी सब्जियां फीकी है, बराबर ने, क्योंकि मिर्ची जब खाने में पड़ती है तभी भी सब्जी का स्वाद आता है, इसलिए मिर्ची आती है और सबको चुप बिठा देती है और बोलती है कि मेरे बिना आपकी कोई कीमत नहीं, मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है, मैं पतली और चुस्त हूँ, बराबर, मिर्ची क्या बोलती है, मैं पतली और चुस्त हूँ। फिर कौन आता है, भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी, तभी कौन आ जाती है, भिंडी आ जाती है, वो अपने कोमलता, मतलब वो कैसी होती है, नरम होती, कोमल होती, और अनूठे स्वाद की, उसका स्वाद कैसा होता, अनूठा मतलब अलग होता है, उसकी वो प्रशंसा करने लगी। अब करेला कैसे चुप बैठता, वह बोलने लगा, वो बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। करेला जैसे बोलने जा रहा था तो बीच में कौन बोलने लग गया, टमाटर, और टमाटर ने उसे बीच में ही रोक दिया। तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं, मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफ़ी नहीं है, ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं, बराबर। तो क्या, किसने किसकी बात रोकी थी, टमाटर ने करेले की बात रोकी थी, करेले को टमाटर चुप बिठा देता, और क्या बोलता है कि बच्चे तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं, मेरा, और ये कौन बोलता है, टमाटर करेले को बोलता है, और फिर टमाटर अपनी बड़ाई करता, मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रंग रूप ही काफ़ी नहीं है, जुआर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं, बराबर ने, जुआर मतलब बुखार और ताव। करेला क्या बोलता है कि सिर्फ रंग रूप ही काफ़ी नहीं है, जब बुखार आता है, जब लोगों को ताव आता है, तब वो बीमारी ठीक करने के लिए लोग क्या करते हैं, मेरा प्रयोग मतलब उपयोग करते हैं। आखिर में कलगीदार बैगन आया, कलगीदार मतलब ये इसके ऊपर ये जो डंडी रहती है उसकी, उसको क्या बोलते हैं, कलगी दार बैगन आया, उसने भी सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त आप सबने
अपने स्थान पर, आप सब अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। फिर क्या, कौन आता है? बेगन आता है और सबको शांत करते हुए क्या बोलता है कि आप सब अपने स्थान पर उपयोगी है और सही भी है, मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। बराबर। अब ये देखो, ये क्या है? शलगम, गाजर, बंद गोभी, ककड़ी, शिमला मिर्च को मिलाकर बनाया कचूमर लिज्जतदार होता है। लिज्जतदार मतलब एकदम स्वादिष्ट होता है। शलगम मतलब बीट, आलू, शकरकंद मतलब शक्करियो, फुलेवर, भिंडी से बनी सब्जियां मन भावन बनती है। मिर्ची, धनिया मतलब कि कोथमीर, अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते है। बराबर ने स्वाद स्वाद तो देते और ऊपर से क्या देते लोग, सुगंध मतलब स्मेल, अच्छी सुगंध देते हैं। प्रदान मतलब देना। इस तरह हम एक साथ घुल मिलकर और भी मजेदार हो जाते हैं। मतलब जब सभी सब सब्जियों को साथ में डालेंगे और वो सब घुल मिल जाएगी तो वो एक और क्या हो जाए, मज़ेदार हो जाते हैं। फिर देखो, इतने में बिरजू चाचा जाग उठे, क्योंकि बिरजू चाचा तो सोए हुए थे। बिरजू चाचा सोए तभी सब सब्जियों ने क्या करे, हल्ला मचाया, सब सब्जियां इकट्ठी हुई। इतने में बिरजू चाचा जाग उठे, सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की डालियों पर छिप गए। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। बराबर, मशगूल मतलब अपने काम में लग गए। बराबर। और इससे क्या बात पता चलती है कि जो लौकी, करेला और ककड़ी है वो बेलों पर, मतलब वो कहाँ उगती है, बेलों पे उगती है। फिर शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए, मतलब वो जमीन के अंदर से उगते है। बराबर, जमीन के अंदर उगते है। फिर भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की डालियों पर छिप गया, मतलब वो डालियों पर होते है। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। बराबर। अपना पाटो नाम है तो कैसा शोर, कैसी आवाज़। और इसमें से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें लड़ाई नहीं करना चाहिए, झगड़े नहीं करना चाहिए, मिलजुल कर रहना, या मिलजुल कर रहने में ही हमारी सबकी क्या होती है, भलाई होती है। अब ये देख लो एक बार, शब्दार्थ।